स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मैं इस वीडियो में स्टार्ट करा रहा हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि एक से बार अवकलन। किसी फंक्शन का हम एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में हम सिखाएंगे। देखिए, इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, उन सभी क्वेश्चन में ट्रिक्स होती है। साथ में मैं उन क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी बताऊँगा कि उन क्वेश्चन को कैसे कम समय में हम करेंगे। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है ज़रा देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ मैंने 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाटे हैं, जिनमें से 5 जो क्वेश्चन है वो पहले इन 7 क्वेश्चनों पर बेस है। तो इनमें से 12 में से मैं 7 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 5 क्वेश्चन आपको स्वयं करने होंगे, और वो जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल इस जैसे होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये वाला क्वेश्चन इस जैसा है। इसमें देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसका और इसका दोनों का आंसर एक ही है, 2015 में आया हुआ, और ये भी क्वेश्चन इस जैसा है। अब नीचे देखेंगे, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार ऐसे आया और एक बार ऐसे आया, इस तरह आया तो ये प्रूफ करना है, और इस तरह से आता है तो ये प्रूफ करना है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ, एक बार इस तरह से आया हुआ, अगर ऐसे आता है तो ये प्रूफ करना है, और अगर ये आता है तो ये प्रूफ करना है। तो जैसे ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से ये मैंने रेड वाले बॉक्स में बंद कर रखे हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है जो मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा। साथ में देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, ये समझिए। हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तरोत्तर अवकलन, यानी एक से ज्यादा बार अवकलन। जो एक बार डिफरेंशियल होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसे वाई वन से भी डिनोट करते हैं, या बोलते हैं DDX ऑफ वाई। जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, इसको हम वाई टू से डिनोट करते हैं, और इसको इस तरह भी लिखते हैं DDX ऑफ वाई, यानी कि पहले डेरिवेटिव का एक बार और डिफरेंशियल, यानी D2y/dx2, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। तो अब इसको कैसे करते हैं ये हम सिखाएंगे। इस 2 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और n टाइम्स भी हम डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो n टाइम्स डिफरेंशियल करना कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। चलिए अब करते हैं स्टार्ट एक एक करके क्वेश्चन को। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ, आप करते हैं स्टार्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कैसे डिफरेंशियल करते हैं, इसमें लगभग सभी क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी ट्रिक है। तो मैं हर क्वेश्चन में क्या ट्रिक है ये मैं हाथ तो हाथ आपको बताता चलूँगा। तो उसी क्रम में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ऐसे। तो हम इसको करेंगे, पहले हमने लिखा इसको x+1e^y = 1, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव e^y का e^y, और y का DDX ऑफ y, e^y का e^y, y का DDX ऑफ y, और सेकंड ऐसे रहेगा, और उसके बाद x का 1 और y का 0, और कॉन्स्टेंट का 0। अब यहां से देखिए, x+1e^y के स्थान पे समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं, मैं इसके स्थान पे 1 ले सकता हूं, +e^y = 0। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है DDX, और ये यहाँ पे देखिए। तो जब इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो इसको ऐसा लिखते हैं D2y, और ये DX2, ये DX का होल स्क्वायर होता है, वास्तव में ऐसा लिखा जाता है DX का होल स्क्वायर, लेकिन इसको बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, ये DX का होल स्क्वायर है, ये केवल x पे स्क्वायर नहीं है, दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। और e^y का e^y, और y का DDX ऑफ y = 0। अब हम देख रहे हैं कि आंसर में ये नहीं आ रहा, तो इसे हम यहाँ से गायब कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ से गायब कैसे करेंगे, देखिए, तो इसके लिए एक काम करते हैं, e^y यहाँ से लाना, स्क्वायर लाना, तो स्क्वायर का मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पर लानी पड़ेगी हमें। तो एक काम करता हूँ, आंसर ये वाला लाना है, तो d2y dx2 e^y और dy, तो यहाँ से e^y की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ से देखिए इसे समीकरण 2 से, ठीक है, फ्रॉम टू से e^y कितना है, माइनस
डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, तो ये उठा के यहाँ पर रख देते हैं, डी टू वाई डी एक्स टू प्लस इसकी जगह रख गया हमने माइनस का डी डी एक्स ऑफ वाई, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर, देखिए ये हो गया रूट। ये देखिए करते हैं स्टार्ट, फिर दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब क्या है जरा समझेंगे, क्वेश्चन ये है y is equal to 10x plus x then prove that। अब देखिए अगर आपने ट्रिक नहीं लगाई तो इस क्वेश्चन को आप बहुत लेंथी कर सकते हो, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा और बहुत शॉर्ट करा दूंगा, ठीक है, तो कैसे करते हैं जरा देखिए समझिए, पहले जो लिख दिया हुआ उसको मैंने लिखा y is equal to 10x plus x, अब इसका आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहले तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ वाई, टेन का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x और sec x का sec x टेन एक्स, यहाँ से sec x कॉमन ले लीजिए क्या हो जाए sec x प्लस टेन एक्स, इसको हल्का सा सॉल्व कर लीजिए, बस यही है ट्रिक इसमें, इसको सॉल्व करना, यहीं पे अगर आप फर्स्ट सेकेंड से दोबारा डिफरेंशियल कर देते तो बहुत लंबा हो जाता, sec का हो गया वन अपॉन cos x और टेन का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यस यहाँ ध्यान देना सॉल्व करना जरूरी है, इसको सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने इसका ये जगह वन प्लस साइन एक्स, ये हो गया ऊपर वन प्लस साइन एक्स और ये कोस एक्स कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स होता वन माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दो रो का अंतर लगा दूं मैं इसमें, दो रो का अंतर होता है वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स, देखिए और ये इट बिकम कट, तो डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू हो गया वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं देखिए ऐसे वन माइनस साइन एक्स की पावर माइनस वन, अब यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डी टू वाई डी एक्स टू, अब देखिए ऐसा करेंगे हम चैन सिस्टम से, कभी कंपोजिट फंक्शन हो गया तो चैन सिस्टम से घात पहले आएगी उसमें से एक कम होगा, यानी इसकी जो पावर है वो पहले आई उसमें से एक कम कर दिया, अब इसके अंदर घुसेंगे, अंदर करेंगे तो वन का जीरो और साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स, अब देखिए ये आंसर आपका आने वाला आंसर इज अबाउट टू कम, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस ये और ये हो गया कॉस एक्स, अब देखिए ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और नीचे आके प्लस हो जाएगा, दिस इज आंसर, देखिए वो आ गया प्रूफ हो गया, देखिए जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इस क्वेश्चन में भी ट्रिक है, अगर आपको ट्रिक ध्यान देगी तो यही क्वेश्चन कर पाओगे, वरना क्या होगा बीच में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना ट्रिक है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो देखिए तीन क्वेश्चन है ये एक दो तीन, इन दोनों का आंसर तो एक ही है, यही आना है, ये इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से आ सकता है, दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, मेथड इसका बिल्कुल इस जैसा ही है, बिल्कुल सेम ये नहीं है लेकिन बिल्कुल इसी की तरह करना और इसका आंसर ये आएगा, ये 2018 में आया हुआ और ये आया हुआ 2015 में, तो देखिए कैसे करते हैं आप जरा समझिए, तो y बराबर कितना दे रखा साइन m cos इनवर्स x, तो डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है जरा बताइए cos m cos इनवर्स x, फिर करेंगे m cos इनवर्स x का, ये चैन सिस्टम से कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन है, तो एम ऐसे रहेगा और कॉस इनवर्स का होता है माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, अब इसको मैं यू लिखूंगा डी टू वाई ऑन डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस का एम कोस एम कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हम कह रहे हैं बार बार ट्रिक ट्रिक, तो वो क्या ट्रिक है यहाँ पर होता क्या स्टूडेंट्स, इसको अंश बटे हर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी क्वोशेंट रूल से करते हैं। अगर आपने इसको क्वोशेंट रूल से करने लगे तो फिर आंसर आना मुश्किल पड़ जाएगा, अगर आया भी तो बहुत देर में आएगा यानी काफ़ी लंबा खींच जाएगा। तो यहाँ ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि इसको पहले इधर लेके जाना, क्या ट्रिक इस क्वेश्चन में कि इसको पहले इधर लेके जाना ऐसे करके, ये ट्रिक। अगर आप ये इधर ले जाना भूल गए तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा काफी। ठीक, आप इससे क्वेश्चन करेंगे ये फर्स्ट और ये सेकंड, आप देखिए आपका बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल इसका होगा डी टू वाई डी एस टू, डबल डेरिवेटिव जो होता है डी टू वाई डी एस टू। सेकेंड ऐसे रहेगा, फर्स्ट है करेंगे रूट का हमने बताया था क्या होता है रूट का वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो दो बार में होगा इसके अंदर का और करेंगे वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, समझ आ गई। अब देखिए इसे करेंगे, इसे भी कंपोजिट फंक्शन है, पहले कोस का करेंगे फिर एम कोस इनवर्स एक्स करेंगे, तो कोस का हो जाएगा माइनस का साइन एम कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम जो m cos इनवर्स x का और करेंगे तो m cos इनवर्स x का क्या होगा जरा बताएंगे, m तो ऐसे रहेगा और cos इनवर्स का हो जाएगा माइनस के अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, देखिए ये हो गया अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एस टू की जगह हम लिख सकते हैं वाई टू, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था वाई सेकेंड डेरीवेटिव को हम वाई टू भी बोलते हैं और फर्स्ट डेरीवेटिव को वाई वन। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे हम लिखेंगे y1 और ये कितना है माइनस हो जाएगा दो से दो तो एक आइडिया x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे मैंने क्या रख दिया y1, बस हमारी ये x अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस और एक माइनस ही आ रहा तो फिर माइनस हो गया यानी माइनस का एम स्क्वायर और ये हो गया साइन एम कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इसकी वैल्यू यहां से देखिए फ्रॉम फर्स्ट इसको ध्यान से देखेंगे, ये यहां पे ऐसी रहेगा। एक काम हम और करेंगे, देखिए यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर क्या मान लेते हैं वन मान लेते हैं, इधर का एलसीएम लेंगे क्योंकि आंसर में दिख रहा है वो रूट हट रहा है, तो मैंने क्या करा एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या है अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे इसकी तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा वाई टू माइनस एक्स वाई वन और इधर देखिए इसके प्लेस पे मैंने क्या रख दिया यहाँ से वाई, क्या रखा वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, इट बिकम कट। अब देखिए आंसर इज अबाउट टू कम माइनस के एक्स वाई वन, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, आई थिंक आंसर हैज कम, देखिए पूरा मिल गया आंसर, दिस इज आंसर रूट। हाँ, तो अब ये करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट यार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आया हुआ, देखिए ये है 2014 और 16 में आया हुआ। अब देखो कैसे करेंगे इसको जरा समझिए, क्वेश्चन कठिन नहीं है बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना ट्रिक्स का। तो ट्रिक्स क्या है, देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो इसे करते हैं लॉगरिथम द्वारा। वैसे मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है लेकिन मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, आप पहले वाले उससे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ करेंगे लॉग लेंगे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे क्या आएगा लॉग वाई एक्स लॉग एक्स। अब इसको करेंगे फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, तो फर्स्ट लॉग वाई का वन अपॉन वाई
y का डी डी एक्स ऑफ y, फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, देखिए फर्स्ट ऐसी रहा सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड ऐसी रहा x का डिफरेंशियल 1 और x इन x का डी। ट्रिक ये है कि y को इधर लेके जाना, क्या ट्रिक कि y को पहले इधर लेके जाना, ये ट्रिक है, समझ में आ गई। y इधर लिए जाए बिना करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, प्रूफ होने में दिक्कत आएगी। अब डिफरेंशियल करेंगे अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू। इसको फर्स्ट सेकंड से देखिए, फर्स्ट ऐसे रहा सेकंड का डिफरेंशियल 1 का 0 लोअर का 1 अपॉन x प्लस सेकंड ऐसे रहा और फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब जरा ध्यान देना आंसर में ये नहीं आ रहा 1 प्लस लोअर, तो हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये तो आ रहा है लेकिन 1 प्लस लोअर नहीं आ रहा, तो 1 प्लस लोअर की वैल्यू यहां से रखेंगे। तो 1 प्लस लोअर की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, नहीं फ्रॉम फर्स्ट, तो 1 प्लस लोअर कितना आ रहा बताएंगे, एक से देखिए जरा ध्यान से, तो 1 प्लस लोअर आया वाई अपॉन में पहुंच जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इसके स्थान पर हम ये रख देंगे, इसके प्लेस में क्या रख देंगे ये चीज, आंसर इज अबाउट टू कम, तो यहां पर आ गया वाई अपॉन एक्स और इसके स्थान पर लिखा मैंने 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और एक ये वाला है ऐसे रहेगा। ठीक, आई थिंक आंसर इज अबाउट टू कम, डी टू वाई डी एक्स टू, देखिए ये ऐसी रहा वाई अपॉन एक्स, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, पक्षांतर कर लेते हैं, इसको कॉरस्पॉन्ड कर लेते हैं, डी टू वाई डी एक्स टू इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, हमें यही प्रूफ करना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी ट्रिक है, ठीक है, कई बार ये दो बार आया हुआ क्वेश्चन, एक बार आया है देखिए ये e की पावर a साइन बस x और ये प्रूफ करना था, ये 2015 में आया, 2016 में थोड़ा चेंजिंग हो गया, आ गया x के स्थान पे 3x हो गया, तो उसके लिए ये प्रूफ करना, तो बिल्कुल दोनों करने का जो तरीका वो एक ही है, बस ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा कोस इनवर्स के साथ, बाद में 3x का और करना है, यहाँ बिल्कुल सिंपल वाला है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूँ एक आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए करते हैं पहला वाला, कर रहा हूँ y इज इक्वल टू e की पावर a साइन बस x, तो क्या करना डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x और साइन बस का क्या होगा a ऐसे रहे कॉन्स्टेंट, साइन बस का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना कि ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, यहाँ से आपको ट्रिक लगानी है, ठीक है, तो ट्रिक क्या लगानी है जरा समझेंगे, ट्रिक ये लगानी है कि इसको उठा के इधर लेके जाना और इसके स्थान पे वाई क्यू रखना, अगर ऐसा नहीं करते तो आंसर आपका आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इसको इधर ले आया और यहाँ पर ये ऐसी रहा और इसके स्थान पे मैंने क्या रख दिया y और जो a है वो यह, बात समझ में आ गई, ऐसा करने से आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अब इसको करेंगे फर्स्ट और इसको करेंगे सेकंड, अब देखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट ऐसे रहा सेकंड का डेरिवेटिव, जिसका डबल डेरिवेटिव बनना होता तो ये इस तरह लिख सकते हैं, देखिए किसी का डबल डेरिवेटिव इस तरह से प्लस सेकेंड ऐसी रहेगा फर्स्ट का डिफरेंशियल, रूट का हमने बताया था वन रूट का वन अपॉन टू रूट एक्स और वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, रूट का वन अपॉन टू रूट एक्स और इसके अंदर का चेन सिस्टम से कर रहे हैं हम, ये देखिए आपको डिटेल से समझना अच्छे से समझना तो मेरी पहली वीडियो कॉर्नर का आई बटन दबाकर आप अपना वीएस पक्का कर सकते हो। तो फर्स्ट ऐसी रहा सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड ऐसी रहा फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया ये इक्वल में, ए कांस्टेंट है
वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से देखिए आंसर इज अबाउट टू कम। सेकेंड डेरिवेटिव को हम वाई टू भी बोलते हैं और यहाँ देखिए टू से टू बढ़ जाएगा और ये आ गया माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई टू। और इधर ए इसको बोलेंगे हम क्या वाई वन, राइट इसको हम वाई वन, फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई वन और सेकेंड डेरिवेटिव को वाई टू। देखिए आंसर इज अबाउट टू कम, यहाँ पर आंसर है अब ये हमारा आने वाला है आंसर। तो यहाँ से अच्छा अभी हमारा ये चीज और देखिए यहाँ पे x, इससे हमें क्या करना दोनों साइड में इसका एलसीएम और ले लेना। तो एलसीएम लेंगे अंडर रूट वन माइनस के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा इसका, ये हो गया वाई टू माइनस के एक्स वाई वन और इधर ए वाई वन। अब यहाँ पर देखिए वन माइनस के एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस के एक्स वाई वन ए वाई वन, ये चीज यहाँ पहुँच जाएगी अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके स्थान पर हम यहाँ से देखिए ध्यान देंगे तो इसके स्थान पर यहाँ से y1 का मतलब यही है डी डी एक्स ऑफ वाई, इतने के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं इसे डाल दीजिए समीकरण दो फ्रॉम टू, ये एक ही है और कोई बनी नहीं है फ्रॉम फर्स्ट। तो वन माइनस के एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस के एक्स वाई वन, वाई वन कह दो या डी डी एक्स ऑफ वाई कह दो बात एक ही है, इसके स्थान पर रखेंगे हम ए वाई, ए यहाँ पहले से नहीं है एक ए वाई वाला आ गया। आंसर इज अबाउट टू कम, इधर आगे हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई, दिस इज आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट, ये तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक है और ज्यादातर क्वेश्चन प्रूफ करने वाले, ठीक है, और अगर आप ट्रिक भूल गए तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो डिफरेंशियल तो कर लोगे प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको, तो पहले मैंने लिखा इसको y इज इक्वल टू sec इनवर्स x का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी डी एक्स ऑफ y, कैसे करेंगे इसका चेन सिस्टम से, कंपोजिट फंक्शन है पहले घात पे ले आएगी फिर उससे एक कम करेंगे, चेन रूल से करना है इसको, घात पे ले आई उससे एक कम किया और फिर इसके अंदर का सेकंड इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होता ना सेकंड इनवर्स एक्स का। अब देखिए इसमें फिर वही ट्रिक लगानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग एक ही ट्रिक है सभी में, क्या ट्रिक है कि इसके अगर बटे में कुछ भी आता अपॉन में कुछ भी आता है तो इसको पहले इधर लेके जाना फिर करना इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से नहीं करना, क्वेश्चन रूल से नहीं करना, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया टू सेकंड इनवर्स एक्स। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक है इसके अंदर हमें देखिए इसके स्थान पर वाई लिख सकते हैं यहाँ स्क्वायर हो जाए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा इसमें स्क्वायरिंग करूंगा ऑन बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे दो का वर्ग हो गया चार सेकंड इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसके प्लेस पर रखूंगा यहाँ से वाई, बस मारी कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से मैं रख दूंगा y, इसको अंदर एंट्री कर देता हूँ मैं x की चार माइनस के एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा फोर वाई। अब इसका फिर अगेन डिफरेंशियल करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका वाई पार्ट्स करेंगे फर्स्ट सेकेंड
यानी प्रोडक्ट रूल से। तो कैसे करती है देखिए, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। सेकेंड का डिफरेंसर, ये पहले पावर को होगा, पावर पहले आएगी और उसमें से एक कम होगी। अब इसके अंदर करेंगे डी वाई अपॉन डी एस का होगा डी टू वाई डी एक्स टू, डी टू वाई डी एक्स टू प्लस सेकेंड ऐसी रहेगा, यानी आपको ये ऐसी रहना। इसका करेंगे, इसका हो जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, समझ आ रही। अब राइट हैंड साइड का करेंगे, राइट हैंड साइड का फोर और वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। तो हम देख रहे हैं कि आंसर में यहां पर ये देखिए आ रहा है, एक तो टू नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड को टू डी डी एक्स ऑफ वाई से डिवाइड कर देता हूँ। क्या करता हूँ दोनों साइड को टू डी डी एक्स ऑफ वाई से डिवाइड। तो पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स टू, और ये इसमें से मैंने क्या लिया टू कॉमन ले लिया, क्या बचा टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ठीक है। आप ये करना डिवाइड डिवाइडिंग बाय टू डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी दोनों पक्षों में टू डी डी एक्स ऑफ वाई से यानी डिवाइड अपॉन डी एक्स से डिवाइड करने को, डिवाइड ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ डी टू वाई डी एक्स टू, यहाँ ये कट जाएगा एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर ये कट गया और टू बचेगा केवल, और यही शायद हमें आंसर लगना है। दिस इज प्रूव्ड। देखिए आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और दोनों ही बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं ये भी आपने सीख लिया होगा। ये वीडियो जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आप देख लेना, बिल्कुल ऐसे में बहुत पूरे एक वीडियो बनी हुई है पैरामेट्रिक इक्वेशन पे। तो ये दो क्वेश्चन है पैरामेट्रिक क्वेश्चन है, इनसे हम कैसे निकालेंगे ये वाला। तो इससे क्वेश्चन से तो हमें ये प्रूव करना, ये 2014 और 15 में आया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमें प्रूव, ये डी टू वाई डी एस टू निकालना है, 2017 में आया हुआ। तो दोनों का जो तरीका है वो एक जैसा ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेथड समझ लीजिए। ये मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अपना बड़े आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। तो क्या है, पहले दे रखा एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा वी साइन थीटा, और वाई जी कर टू क्या दे रखा ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा, ये पैरामीट्रिक है। तो यहां से पहले निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इसके लिए हम इसका डिफरेंस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, कोस का डिफरेंस क्या होता है माइनस के, और साइन का कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से मैंने डी एक्स कौन डी थीटा माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा। आप ध्यान से देखिए किसकी वैल्यू बाय की, तो मैं इसके स्थान पर ले सकता हूँ माइनस का बाय, बात समझ में आ रही। कहाँ से लिखा, इसे डाल दूँ मैं एक और इसे डाल दूँ दो, कहाँ से लिखा मैंने फ्रॉम टू दो से। अब ऐसे ही से देखिए इसका डिफरेंस करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डी वाई अपॉन डी थीटा, साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है एक्स, कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट डी डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो गया एक्स। अब हमें निकालना है पहले डी डी एक्स ऑफ वाई, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकलेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे,
यानी कि क्या करना डी डी एक्स डी थीटा को किससे डिवाइड करना डी डी एक्स ऑफ थीटा से डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड करना। तो यहाँ पर कितना है एक्स और ये कितना है माइनस का वाई। अब देखिए यहाँ पर फिर ट्रिक लगानी है ट्रिक क्या बस इसको उठा के इधर ले जाना इतनी सी ट्रिक है। तो क्या करना है यहाँ पे देखिए तो माइनस को मैं इधर ले गया माइनस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ठीक है। अब इसको फर्स्ट सेकंड से कर देंगे आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो कैसे करेंगे देखिए फर्स्ट ऐसे रहा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे रहेगा फर्स्ट का डेरिवेटिव और इधर एक्स का डेरिवेटिव वन। तो आई थिंक आंसर इज अबाउट टू कम थोड़ा सा भी रह गया वाई स्क्वायर आ रहा है तो वाई स्क्वायर लाने के लिए मैं करूँगा पूरी समीकरण को वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूँ क्योंकि आंसर भी तो लाना है ये जगह माइनस का ठीक। तो आंसर में देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर हो रहा है तो वाई स्क्वायर करने के लिए करूँगा वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ मल्टीप्लाइंग वाई 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 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एस टू माइनस का वाई डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर इक्वल टू वाई ठीक। अब देखिए यहाँ तक ये आ चुका और यहाँ पर देखिए तो वाई यहाँ से मैं इसकी वैल्यू भी रखूँगा कहाँ से ये वाई डी डी एक्स और वाई की जगह एक्स यहाँ से देखिए यहाँ से या यहाँ से रख देता हूँ इसे डाल देता हूँ समीकरण टू। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए यहाँ से एक मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ इसको मैं इसको ले सकता हूँ माइनस के वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू और ये लिख सकता हूँ मैं इसको प्लस माइनस का वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। मैं इसके स्थान पर क्या रखूँगा यहाँ से एक्स रखूँगा और आंसर में भी हमारा आ जाएगा कहाँ से रखना है फ्रॉम टू। तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ अब इसको तो इसके स्थान पर ये पूरा ऐसे उतार लिया मैंने माइनस का वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू और इसके स्थान पर क्या रख दिया मैंने एक्स डी एक्स बराबर कितना आ रहा वाई आ रहा आंसर इज अबाउट टू कम। तो इसको इधर ले आते हैं जब इधर लेके जाएंगे माइनस के वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू जीरो। अब क्या करना देखिए बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। हमने क्या करा यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दी या माइनस कॉमन लेके जीरो पहुंचा दिया तो ये हमारा हो गया प्रूफ। देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा मेरा मेथड समझ में आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है वहां तक शेयर करिए जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच।